दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत मस्त होंगे। दोस्तों अभी हम लोग डीपीसी डाल रहे हैं, हालांकि बुनियाद के प्लेंथ के बीम के ऊपर जो है डीपीसी कैसे डालते हैं, बहुत सारा मिस्त्री को जो है पता नहीं रहता है डीपीसी हालांकि कैसे डालते हैं, ये सारा चीज़ हम वीडियो में बताएंगे। वीडियो को जो है विस्तार से देखेंगे तो अभी हालांकि आपको भी समझ में आएगा। अभी हम लोग के पास में जो है इधर से डीपीसी डालते हुए आ रहे हैं, सोचे कि आप लोग से बताएं डीपीसी कैसे डालते हैं। अभी मेरे पास 6 बाई 9 का फार्मा जो है, 6 फुट इसका लंबाई है और 9 इंची इसका जो है अपने दीवार के साइड में जो है साइज में डीपीसी का चौड़ाई भी है। मेरा 9 इंची है और 6 फुट लंबाई है। आप लोग के पास फार्मा अगर नहीं है तो बट फार्मा आप लोग बनवा सकते हैं। अभी एक एक पास में आप लोग का एक लकड़ होना जरूरी है। इसको लकड़ ना समझे, लकड़ समझने का जो है कारण आप लोग ना बने, क्योंकि अक्सर मिस्त्रियों का गलती ये होता है कि उनके पास जो है करनी रहता है, करनी से जो है बराबर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको इसको लेना पड़े। और इसको भी औजार आप लोग बोल सकते हैं। और माल देखिए हम लोग का जो है बिल्कुल बराबर आ रहा है, यानी कि आप लोग डीपीसी में जो है तेज माल लगाना है। और अभी हम लोग के पास में जो है बराबर बराबर इसका माल चल रहा है इसमें, और मैक्सिमम बराबर रहकर चलना है, नहीं तो डीपीसी जो है गांजा आ जाता है। कई बार लोग अक्सर देखते हैं हम लोग डीपीसी के लोग गांजा कर देते हैं, तो गांजा करने का कारण यही होता है बजरी ज़्यादा हो जाता है, रेता कम हो जाता है। तो आप लोगों को पहले डीपीसी फार्मा जो है सेट कर लेना है दीवार के साइड में, इस पर ध्यान रख के करना है। और ध्यान रख के एक बार आप लोग मेजरमेंट लेना जरूरी है, मेजरमेंट ले आइएगा। और मेजरमेंट जो है हम लोग लगाना जरूरी इसलिए होता है कि जगह जो है कमरा के जगह जो है कम हो जाता है, फार्मा जो है 6 फुट का है, तो इसमें मित्रों हम लोग इसमें एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए कि 6 फुट का फार्मा आगे तक नहीं लगेगा। तो हम लोग वहाँ से जो है नापी लेंगे, ईंटा दे दिए। और 6 फुट हमारा, 6 फुट का फार्मा है मित्रों, तो 6 फुट हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। और 6 फुट 1 इंची आप लोगों को कर लेना है, 1 इंची जो है फार्मा के कवरिंग होता है वहाँ पे पीछे के साइड में है, तो यहाँ तक आप लोग का माल डाल देना है। और माल देखिए कितना हम लोग का खूबसूरत है, बंदे भी बहुत खूबसूरत है। और लेबर पे विशेष ध्यान रख के चलना है, लेबर वाले भी गलती करते हैं। और फिर से ऊपर से आप लोग एक बार करनी से खूब दबा देना है बजड़ी को, जो बजड़ी दबाएंगे उसके बाद में ऐसे आप लोगों को बराबर करना है। अभी आप लोगों का मन में डाउट होता होगा कि हालांकि हम लोग इसको बराबर क्यों कर रहे हैं, इस पे जो है ऊपर वाले जब चुनाई लगता है मित्रों, तो कई बार मिस्त्री का जो है करनी से बराबर करते हैं तो उस पर ईंटा नहीं बैठ पाता है सही तरीके से, मसाला मोटा देना पड़ता है। इसको जो है आसानी तरीका है, नाले गांजा भी नहीं होता है और इसको जो है सफाई भी मस्त आता है। उसके बाद में आप लोगों का सीमेंट ले लेना है, सूखा सीमेंट ऊपर से ऐसे मार देना है। मारने के बाद में डीपीसी का कलर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आप लोगों को। और अभी हम लोग ऐसे करके ऐसे आप लोग डीपीसी फार्मा अभी उठाना है, ताजा में उठा लेना है। तो ताजा में आप लोगों का मन में भी डाउट होता होगा कि हालांकि ताजा में हम कैसे डीपीसी उठाएंगे, कोर टूट जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, इसलिए हम लोग सीमेंट मारे हुए हैं। चलिए चलिए लगाइए लगाइए। इस पे जी फार्मा पलट दीजिए। अब हम लोग इसको फार्मा इसलिए पलटना पड़ता है कि ज्यादा हो गया है उधर दरवाजा के, दरवाजा तक आप लोग डीपीसी नहीं डालना मित्रों। दरवाजा मेरा 3 फुट का ऑलरेडी है, तो 3 फुट पे हम लोग निशान लगा के 3 फुट से अंदर अंदर हम लोग डाल देंगे डीपीसी। ये देखिए यहाँ पे 4 इंची की दीवार है, तो हम लोग यहाँ से 37 इंची 1 इंची ज़्यादा छोड़ेंगे, और चौकाठ 3 फुट का बनता है तो 1 इंची हम लोग ज़्यादा छोड़ देंगे। डालिए माल डालिए जी। और ऐसे बिल्कुल मस्त आप लोग डीपीसी ऐसे ही पड़ता है। और ऐसे आप लोगों को मिला, पहले करनी में मारना है उसके बाद में चक्की लगाना है। तो
तो बस मित्रों ऐसे आप लोग देख लीजिए, पीछे का फिनिशिंग जिस तरीका से है उसी तरीका से भी DPC बन के तैयार होगा अभी, बट ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि अभी मसाला हमारे पास नहीं आया है। तो ऐसे आप लोग देख कर फॉलो करना है, और फॉलो करते समय में अगर चैनल पे भी नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और वीडियो आई होप कि वीडियो जो है आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद मित्रों।